नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं आप लोग के सामने एक नई क्राइम स्टोरी लेके आया हूँ जिसका खुलासा दुर्ग पुलिस ने किया है। दरअसल पदनागपुर और बालोद का पूरा ये मामला है। 5 अप्रैल को पैगंबर नाम का एक व्यक्ति आता है बालोद थाना में, जहाँ पर FIR कराता है कुछ गिरोह के खिलाफ। दरअसल ये जो गिरोह है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगा। ये गिरोह कई सालों से एक्टिव है। इसका जो मेन जो अपराधी है वो उससे पहले भी जेल जा चुका है। तो ये जो गिरोह है कई सालों से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इन्होंने लूट करी है। लूट का इनका जो तरीका है वो लगभग सेम है, और भोले भाले जो किसान हैं उनको ये बेवकूफ़ बनाते हैं ज़मीन के तौर पर। इसका पूरा क्या डिटेल है ये आपको SP साहब कॉन्फ्रेंस में देंगे। मामले का जैसे ही FIR होता है, FIR के तुरंत बाद पुलिस एक्टिव होती है और पूरा डिटेल निकालती है इन बंदों का, और तुरंत धरपकड़ चालू हो जाती है। धरपकड़ में करीब 5 से 6 लोग हाथ लगते हैं, जिसमें से 2 अभी भी भागे हुए हैं। इसका पूरा डिटेल क्या है, पूरी जानकारी क्या है, हमारे SP साहब के जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आप देखिए इस पूरे वीडियो। हमने जो मतलब मैं पकड़ा गया था ना, वहाँ पर मेरा पैसा लगा था, पैसा हमने फिर भी नहीं लिया था 2.5 लाख रुपये। हमने पकड़ा गया था, मेरे 2.5 लाख रुपये लगे थे उसमें। किसी 2.5 लाख लगे थे केस लड़ने में? किसान को दिए थे मैंने, 1 लाख मुझे दे दिए थे, 1.5 लाख मुझे रह गए थे। तुम लोग सीरियल फ्रॉड, ये लोग सीरियल फ्रॉडस्टर्स हैं। सारे किसानों को भी बात समझने की आवश्यकता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो इन फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें, नहीं तो ये पहले भी दूसरे राज्यों में कर चुके हो क्या? तो पीछे इसमें बताएंगे, ठीक है? तो बहुत ही 4 साल जा चुके हैं। चाचा को पूछे, चाचा ही बताएंगे। चाचा साहब के दोनों क्या नाम है? सरकारी अधिकारी सरकारी जैसे कैमरा लगाया बोलता है। हाँ, इसने कैमरा लगाया, इसे कैसे चलवा रहे हैं बोलता है। सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। आप क्या काम करते थे धोखाधड़ी में? नहीं यार साहब, ये दरी कम्बल का भाई काम करते थे, दरी कम्बल का। अच्छा, वहाँ से फोन करा था उन्होंने। हाँ जी, अभी क्या नाम बताया इनका, वो परवीन। हाँ। तो आलम, इन्होंने फोन किया कि भाई अपने तुम पैसे तुम्हें लेने तो पैसे आप ले जाओ। हाँ। तो हम दोनों जने मोटरसाइकिल में चलाने का था, कौशल जय चार मिल था। चलो पीछे हो जाओ, 4 साल लोगों से कितनी बात करेगा। इधर आ जाओ, दो हरे हरे एक साथ जैसे टी शर्ट में। क्या नाम है? अरे हफी आ रही है आपको। आप क्या काम करते हैं? हम फेरी का काम करते हैं सर। आप कैसे इसमें फंसे? हम यहाँ, हमें तो बस सर ले आए तो बस। पैसा कितना मिला? 15,000 रुपया। किस चीज़ के लिए 15,000 मिला तुम्हें? हम सर उधर फेरी लगा रहे थे, ये बोले 1 लाख रुपया वहाँ से ले आए, उसमें से हिस्सा हमारा बचा ना, जो हमने पहले दिए थे, हमने 30% रखे हैं जिसमें से, वो उन्होंने हमें वापस दे दिए। जब लूट का पैसा जब लेते हैं ना, तो किसान की शकल नहीं। अभी तो यार जेल में जाओ ना, इसकी फोटो ले लेना किसान की, अपने पास रखना, डेली देख रहे, ठीक है? तुम्हें यही दुख है ना, शकल नहीं देखी, 15,000 रुपए ले लिए, तो डेली शक्ल देखना, फोटो खींच के दे देना, ठीक है? सर बेकसूर जा रहा है, बेकसूर भैया, कोई हमारा मैटर नहीं, कोई भाई माननीय न्यायालय, माननीय न्यायालय में रखा जाए। तो यहाँ से किसी को दबाव तो नहीं जा रहा था, आपसे बोल दिया आपने कुछ नहीं किया, तो वैसा सही, माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। लूट के पैसे तो लिए ही, लूट का पैसा जो लेगा वो जानते हुए ले, अज्ञानता वर्ष लूट का पैसा लिया है तुम लोगों ने? उन्होंने, हमने नहीं लिया था। भरोसा क्यों किया ऐसे आदमी के ऊपर, लुटेरे के ऊपर? मैं 2 बार जेल जा चुका है, ये जानते थे यही काम। आपको जानता है 2 बार जेल गया है ये, और हम पहली बार जिंदगी में, ये बाबू तारे में उनका 2 बार जेल गया है, ये बता तो रहे, पता के दिए कि पैसा वहाँ से लेके आए हैं। अच्छा, फिर वो फिर क्यों आ रहे थे सर? ट्रेन में बैठ के, ट्रेन में बैठ के क्यों आए थे फिर? हाँ भाई न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, ठीक है? इनको अधिकार है अपनी बात, ठीक है? इधर पिछली बार क्या गुल खिलाए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे? कुछ नहीं किया। तो कहाँ का केस था वो? बालोद। क्या केस था वो? वो जमीन का केस था। जमीन का क्या केस था? आलम 2.5 लाख रुपए लिए थे। हाँ, किसी के 2.5 लाख लिए थे? जमीन लेवल करने की। जमीन लेवल करने का क्या किया उन्होंने? उन्होंने केस करा था। केस किसी का किया उन्होंने? ज्यादा पैसे ले लिया मेरे पास। कितना ले लिया था? लोग 2.5 लाख लिए थे उन्होंने।
मतलब फुट के हिसाब से काम किया था, 5 रुपए फुट के हिसाब से करवाया था, फुट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बने थे जो उन्होंने दिया था 2.5 लाख रुपए। मशीन वहाँ पे मशीन पे ही था, मैं मेरा नंबर था, सब चीज था, तो मेरा नंबर लेके उन्होंने फोन करके मेरे घर चले गए, मुझे लिया है। ये जब फेरी वाला तो जेसीबी कहाँ से लाया? अभी ये देखो जेसीबी हमारे पास नहीं था सर, कहाँ से लाया? तो जेसीबी काम क्यों कर रहे थे? उन्होंने चलवाया था सर। अच्छा तुम्हें तुम्हारे दोस्त कैसे मिले उससे? राजस्थान के ही था, हमारे मतलब जिले के ही। तो तुम जेल कैसे गए थे? इसमें तो नहीं है, ये लोग किसानों के साथ पहले वो जेसीबी दिखा के सस्ता काम करने की बात करते हैं, जिसका काम 1 लाख रुपए का हो तो ये बोलते हैं 50,000 में कर देंगे। जो 50,000 में काम करते हैं तो 50,000 कहते हैं नगद चाहिए। किसान बैंक जाता है, वहाँ से पैसा निकालता है, और जो 1.5 लाख निकाला 1.5 लाख लूट कर लेंगे, 2.5 लाख निकाला 2.5 लाख लूट कर देंगे, 10 लाख निकाला 10 लाख लूट के ये लोग फरार हो जाते हैं। ये किसान 13.5 लाख रुपए क्या बोला? जमीन खरीदना था सर, जमीन खरीदना था, तो वो जमीन एफडी तुड़वाया था, एफडी तुड़वा के अपना 13.5 लाख निकलवाया था। और इन्होंने और ये परमानेंट वकीलों को अपने साथ रखा है टीम बना के, जब भी लूटपाट हो करते हैं उसके बाद फिर केस लगाए, केस लगते हैं 15-20 दिन में छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी समझने की जरूरत है कि जब भी वो ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं अपने बैंक से तो ऐसे फ्रॉडर्स के सामने ना निकाले। सर ऐसे लोग जब थाने के थाना क्षेत्र में दिखते हैं तो थाना प्रभारी लोग क्यों नहीं जांच करते? निश्चित रूप से ऐसे फेरी वाले सर, इन लोग पहले घंटे के हिसाब से बात करते हैं कि बाद में फूट लगा देते हैं। जेसीबी जैसे किसान जाते हैं तो 700-800 घंटे के हिसाब से ले जाते हैं, ये 5 रुपए फूट बोल रहे हैं ये लोग। इनका मॉरल कंडा ये रहता है कि ये लोग जैसे ये बिलासपुर में भी कर रहे थे काम, तो बिलासपुर में कर रहे थे, फिर बीच बीच में आते थे, वहाँ से नई जगह पे आके इस तरह का काम को अंजाम, जब काम करने आते थे तब ये फिर ये काम नहीं करते थे। दो तीन किसानों का काम सस्ते में कर दिया, 50,000 में 1 लाख का बैंक ये भी गया था। भाई खुद निकाला, ये गया था साथ में, एक खुद निकाला ना, खुद दिया ना इनको। नहीं नहीं सर, नहीं दिया नहीं सर, छीने सर इनके, छीने ने 6 लोग पीछे पीछे गए हैं इनके, डरा के कि ये सरकारी जेसीबी चल रहा है वो रिकॉर्ड हो गया, कंप्यूटर में पूरा इसका कैमरा लगा है और तुम जेल चले जाओगे और 27 लाख दबाव बनाने उसको लगा। तो इतनी रकम अगर कोई लेने जाएगा खींचने पर एफडी तोड़ा के तो इनको क्यों बुलाए? मनसा तो होगी ना एफआईडी तोड़ने की, एफडी तोड़ने की मनसा तो नहीं है, जब तो मनसा होगी ना। सर जमीन खरीदना था अपने बेटे एफडी से, नहीं वही सर अपने बेटे के घर गया हूं मैं, वो कहा तो एफडी कागज दिया वो जमीन खरीदने के लिए, एफडी तोड़ा कि इनके दबाव में एफडी तोड़ा, इनके दबाव में तोड़ा, जमीन खरीद तोड़ा है। मोबाइल पे इतना है भाई, बैंक मैनेजर ने पूछा है इन लोगों ने डराया था तो इन लोगों को समझाया था कि जमीन के नाम से इसके साथ जो आरोपी गया था उसका बैंक मैनेजर बोला कि मेरे रिश्तेदार हैं इनको जमीन के रजिस्ट्री करा, लेकिन उसको इलाके पूछताछ करें जो प्रार्थी है ना उससे उसको पहले पूछताछ करें। ये है कि इन्होंने बिना एग्रीमेंट के किया होगा, हम तो डराया होगा बहुत बढ़िया दे दिया, लेकिन सरकारी जेसीबी से मेरा काम हो गया करते, कहीं ना कहीं ग्रामीणों को ऐसे बाहरी लोगों से बिना दस्तावेज के काम कराने के पहले सोचना चाहिए। और भाग क्यों गया हो प्रवीण? वो फोन लगाए तुम लोग की आ जाओ, मोबाइल क्यों बंद किया? उसने सही आदमी है, उसके पास एग्रीमेंट है, उसके पास सब कुछ है, तो क्यों फोन बंद कर लिया उसने? जरा बताओ मुझे, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सब काम बताएगा, सुन रहे हो?
सब मिले हुए देख रहे हो ना, वो ही है, वो तो है ही है, पहले जेल गया है तो उसके उसके साथ काम में आना ही नहीं चाहिए था, बोले तो मैं इस तरह काम नहीं करूंगा, जब पता था पहले वो पैसा ऐसे ही छीन के भागता है, तो वो छीना हुआ पैसा ले लीजिए तुम लोगों को, पैसा वो काम पे नहीं, इनके सामने छीना था, तुम्हारे सामने लिया पैसा, तो मालूम था पैसा झूठ बोल के लेता है, तुम्हें मालूम है धोखा दे के लेता है, तो पैसे लेना चाहिए था, डरे और उन्होंने डराया था भाई, यार डराया तो डराया ना, डराया क्या बोल के डराया, उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें यहाँ पर 1,50,000 रुपया लेना है तो तुम यहाँ पर आ जाओ अपने पैसे लेके चले, ये तो बोला किसान को, क्या बोल के डराया किसान को, अभी यार बता नहीं रहे किसान के, हम सरकारी हैं, हम वो हैं, वो तुम बोले हो, तुम बोले हो तो बोल रहे हैं, दूसरी बार की बात है, जब ये बदमाश से जब साथ देता है दूसरी बार जो ट्रेन में चढ़ के आ रहे थे, तो बोलेंगे अभी उनके साथ नहीं आ रहे थे, हम तो हम ही ये देख के गए थे, आप देख सकते हैं पहले भी जब जेल गए थे इतना गैंग देखे, दो केस है ये लड़का ब्लू शर्ट, ब्लू शर्ट वाला सर पहले भी जेल गए हो, ये कौन है, सर दिखाएंगे सर, सर इधर दिखाएंगे सर, इधर साइड सामने फरवरी 2018 इनका मोटर सब रेडी है, छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा सीधे मिल जाते हैं, और देखो फुटेज देखिए, ये देखिए सर इस साइड में पीछे थे सर, सर दिखाएंगे नहीं सब गए झूठ थोड़ी बोलते, वो तो गए पैसे लिए, तब तो ही तो बोलो जो पता था कि लूट का पैसा है, गए थे पैसा देने के लिए, फिर कहानी सुना रहे हो मुझे, क्यों लौटे हो, मैं गलती हुई साहब गए थे, गलती हो गई कभी जिंदगी में दिखाए सर, इनको थोड़ी सेवा की आवश्यकता है, ये बता तुम चुनते कैसे थे कि आदमी झांसे में आएगा, हमने 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 ये नहीं करवाया था,